आज से आरजेडी आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर संकल्प यात्रा की शुरुआत कर रही है। बाबा नगरी देवघर से इस संकल्प यात्रा की शुरुआत होगी। संकल्प रैली में भाग लेने पहुंचे तेजस्वी यादव से बातचीत की न्यूज 11 संवाददाता विमलेंदु ने। देवघर में हमारे साथ आरजेडी के वरिष्ठ नेता श्री तेजस्वी यादव है। आज से संकल्प यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं झारखण्ड में, उनसे बात करते हैं कितना वो देखते हैं झारखंड में आरजेडी की जमीन कितनी मजबूत है। सर ये बताइए क्या लगता है आरजेडी कितनी मजबूत है झारखंड में आज के वक्त में? नहीं, मजबूत है पूरी तरीके से, और संगठन पे जो है लोग काम भी कर रहे हैं, और अभी सदस्यता अभियान भी चल रहा है, तो जिस हिसाब से भागीदारी होनी चाहिए सदस्य बनने की, काफ़ी तेज़ी से हो रही है। और देवघर वगैरह सुरेश पासवान जी लगातार यहाँ 3 टर्म जो है MLA रहे हैं, और इस बार राष्ट्रीय जनता दल पूरी मजबूती के साथ जो है चुनाव में खड़ी रही। बीजेपी कह रही कि बाबा का आशीर्वाद और जनता का आशीर्वाद जन आशीर्वाद के जरिए मिल चुका है, तो आप क्या देखते हैं? लोग तो कहते ही हैं, सब लोग जो है दावे करते हैं, लेकिन परिणाम जो होगा आप देखिएगा। सर नीतीश कुमार जी को लेकर क्या कहेंगे, वो भी किस्मत आजमा रहे हैं यहाँ पे झारखंड में, क्या लगता है उनकी जमीन कितनी मजबूत होगी या जमीन खिसक जाएगी यहाँ से? बिहार में कुछ नहीं है तो झारखंड में तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होगा। ठीक, आरजेडी का सफलता का पैमाना कितना होगा सर? अब आने वाला समय में आप लोग देखिएगा, हम लोग झूठा दावा नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग बहुत ही मजबूत स्थिति में। ये थे तेजस्वी यादव, खुलकर अपनी बात कर रहे थे और बता रहे थे कि पार्टी आरजेडी का प्रदर्शन झारखंड में बेहतरीन से बेहतरीन होगा।